चल रही है। बस ये था कि अगर हम दोनों मिलके समझाएं ना तो शायद से कुछ और चीजें सॉर्ट हो जाएंगी। वो मेरे लिए इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहेगा समझाना फिर। और इसी बहाने होता कि गुनगुन घर भी देख लेती तो थोड़ा उस माहौल में एडजस्ट होने के पहले से थोड़ा सा हम दोनों मिलकर देखो एडजस्ट हाँ। की तो कोई बात नहीं है, बात ये है कि पहले ऐसे मैं गुनगुन मैंने उस दिन भी आपको ये बात कहा ना कि आप अपने घर वाले को मनाओ, वो आपकी जिम्मेदारी है। शादी से पहले कहाँ का रीत है कि मतलब दूसरा रीजन भाई बात, लेकिन बात ये है मेरे को इस चीज पे ऐतराज हो रहा है, ये तुम अकेली हो घर में, ये कैसे आ गया अकेले, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। या तो घर में समर हो राधिका हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ये कौन है मामा? आप जानते नहीं हो? मैं तो नहीं जानती मामा। सर मैं एक्चुअली हमारे रिश्ते की बात चल रही है गुनगुन और मेरे की। आपको बताया तो था संभल और मैंने बताया था लेकिन जब मैंने देखा नहीं था। और फिर ये ऐसे क्या तुमने अकेले में बुला लिया? नहीं मामा मैंने अकेले में नहीं बुलाया, तुमने अचानक से आ गए यहाँ पर। अचानक समर को पता है? मामा नहीं मेरे को भी नहीं बताया इन्होंने, वो एकदम से यहाँ पर आ गए इसलिए क्योंकि ना उनको कुछ बात करनी थी। पहली बात तो बेटा तुम अकेले कैसे आए यहाँ पे? ऐसे बात ये थी देखो कि हमारे घर पे भी कुछ बात चल रही थी, कुछ दिक्कतें हुई थी। मामा मैं आपको समझाती हूँ मामा बात, लेकिन बात ये है मेरे को इस चीज पे ऐतराज हो रहा है, ये तुम अकेली हो घर में, ये कैसे आ गया अकेले, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। या तो घर में समर हो राधिका हो तो कोई दिक्कत नहीं है। मामा ये अचानक से आ गए मेरे को भी नहीं पता था क्योंकि घर में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है इसकी वजह से। मैं समझ रहा हूँ, अब एक बात बताइए अगर हमारा रिश्ता जुड़ रहा है और मैं अकेले आ गया तो उसमें क्या दिक्कत है? बेटा मेरे को प्रॉब्लम है, ये नहीं है कि मैं बात ही तो करने आया हूँ। मम्मा ये नॉर्मली मेरे से, एक मिनट मम्मा ये मेरे से नॉर्मली बात कर रहे हैं, बोल रहे की घर पे चलो मम्मी से बात कर लो समझा दो मम्मी को। ये बात तुमसे करने वाली है ही नहीं, हम बड़े किस लिए बैठे हैं? जब हमसे बात होगी जब तो हम भेजेंगे, मैं कैसे भेज दूंगी कहीं भी, मेरी जिम्मेदारी है बेटा। मम्मा मैं मुझे पता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे थे, वो एकदम से आ गए क्योंकि उनके घर में खुद इतनी सारी प्रॉब्लम है इसलिए। मैं सिर्फ आंटी ये ही बात करने आया था कि घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, मैंने लास्ट टाइम आके टाइम मांगा था उस चीज के लिए, मेरे घर में बात भी चल रही है। बस ये था कि अगर हम दोनों मिलकर समझाए ना तो शायद से कुछ और चीजें सॉर्ट हो जाएंगी। वो मेरे लिए इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहेगा समझाना फिर। और इसी बहाने होता कि गुनगुन घर भी देख लेती तो थोड़ा उस माहौल में एडजस्ट होने के पहले से थोड़ा सा हम दोनों मिलकर साथ में एडजस्ट की तो कोई बात नहीं है। बात ये है कि पहले ऐसे मैं गुनगुन तुम्हारे यहाँ नहीं जाएगी, बिगर हमारी राजी के नहीं जाएगी कहीं भी, क्योंकि ऐसे जाना अच्छी बात भी नहीं है। पहले तो तुम्हारे मम्मी पापा से सारी बात क्लियर हो तब जाएगी, फिर तो जो भी बात है पूरे ही तो मैं लेके जा रहा था। आपकी बात मैं समझता हूँ कि चलिए ठीक है अकेले नहीं, वो तो हम मैं वैसे भी नहीं ले जाना चाहता कि आपकी परमिशन के बिना। अभी तो देखो बेटा ये बात हो रही है, कल को ये भी कह देंगे लोग इसको आने की इतनी जल्दी है, या ये तो घर भी आ गई तो ये बात अच्छी नहीं लगती। नहीं ऐसी सारी बातें फिर हमारे पे आएंगी, ऐसी चीज तो कुछ है ही नहीं ना, मेन वही उन्हें समझाना है ना। तो आप मेरे नजरिए से देखो ना, मैं बड़ी हूँ जिस हिसाब से माहौल को देखती हूँ ना समझ रही हूँ, तो वो यही कह देंगे कि भैया जबरदस्ती वाली बात है, ये तो पहले पढ़ने वाली बात है। नहीं मानना बट समाज तो बहुत कुछ कहता है, तो फिर उसी चीज से तो समाज सोचनी क्यों है? तो बेटा हम भुगत भोगी बैठे हैं ना, तो वही चीजों से तो उसी चीज से तो हम डर रहे हैं, हमें संभल के चलना है। संभल के चलना मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, बट ये है कि मेरे को असल में घर में थोड़ा सा समझाना मुश्किल हो रहा है। अगर हम दोनों मिलके समझाएं ना, मम्मा आप भी बात कर लो ना एक बार, आपको ध्रुव से भी तो मिलना था ना, आ गया देखो आप खुद बात कर लो, आपको जो भी पूछना है कोशिश। ठीक है वो आगे थी लेकिन ये आगे तो मैं ये कहना भाई बता के तो आए बंदा, वैसा कुछ नहीं है जैसा आपको लग रहा है आंटी, वैसा कुछ चीज नहीं है। बस ये है आज के टाइम में तुम अपनी जो तुम्हारी आज की यंग सोच है ना, जो तुम अपने हिसाब से चलते तुम अपने हिसाब से चलो, लेकिन मेरा नजरिया देखो ना, मुझे पता है ना कि क्या सही और क्या गलत है। कोई भी होगा घर में लड़की अगर रहेगी अकेला होगा कोई भी आएगा ऐसे, तो देखो अभी तो मैंने देखा तुम हाथ पकड़ रहे थे, कोई और अदर पर्सन आ जाए एक बात बताओ फिर क्या रिस्पांस आता है आगे से। ये चीज आप से सोचो ना, समझ रहा हूँ बट आप जिस वे में ले जा रहे हो ना वैसा कुछ नहीं था ये।
क्योंकि एकदम से तुम्हारे पापा ने एकदम से कह दिया कुंडलियां नहीं मिल रही। अरे क्लियर बात तो बताओ, क्या बात चल रही है, वही चीज समझानी है। वो मेरे को आंटी खुद नहीं बता पा रहे रीजन की क्या है। उसी चीज को जानने के लिए मैंने कहा था कि ठीक है चलो गुण और मैं मिलकर अगर समझाए तो शायद से वो बता दूं, क्योंकि मैं भी नहीं चाहता आंटी की कहीं और मैं शादी करूं, क्योंकि अब मेरे को शादी ही गुनगुन से करनी है। बात ठीक है, उस चीज के लिए मेरे को मनाना क्या समझाएगी ये बताओ मेरे को। गुनगुन को जब वो मुंह पे क्लियर बोल के जा रहे हैं, वो हम लोग देखो शादी हमने कर ली है, गुनगुन कैसे समझाएगी। समझाने का क्या आंटी, अगर ये जाके माहौल में ढलेगी कुछ बात होगा ना तो आंटी वो मेरे को पता है कि बिल्कुल समझेंगी। चलो मैं एक बार आप बात कर लूं, क्योंकि मेरे पेरेंट्स हैं मेरे को पता है। मैं तो बात करूंगी बेटा, जब तक आगे कुछ नहीं होगा तब तक मैं बात नहीं करूंगी। अब तो मैं मिलूंगी। कोई नहीं, आप मिल लीजिए आंटी, आप साथ चल लो बेटा, आप साथ चल के मिल लो मेरे मम्मी पापा से, एक बार आप भी बात कर लो, आप भी अपनी तसल्ली कर लो। मैं बिल्कुल करूंगी तसल्ली, क्योंकि अभी मैं थी नहीं, जो भी बात हुई है जो भी सब कुछ हुआ है तो मैं वो चीज़ तो ये मेरे लिए कोई बोझ नहीं है, मेरी पूरी जिम्मेदारी है इससे बढ़ती। और मुझे भी वो चीज़ तो कोई कह नहीं रहा कि आपके बोझ और खैर बेटी तो किसी के लिए बोझ होगा। हम लोग यहाँ बैठ रहे हैं, तेरे को भी नहीं बताया के आना है ध्रुव ने, मतलब मैं बताती हूँ समर, वो ना घर पे तुमको तो पता है क्या सारी प्रॉब्लम चल रही है, उसकी मम्मा नहीं मान रही, तो ना तो नहीं से जा रहे थे तो उन्होंने सोचा कि मैं यहाँ पर आ जाती हूँ, आ जाता हूँ, गुनगुन को ले जाता हूँ घर ले जाने की बात हो रही थी भाई। घर ले जाने का कोई घर कैसे जा सकती है, नहीं वो बात आपकी ठीक है, मैं समझ रहा हूँ भाई। देखो वो जिम्मेदारी तुम्हारी है, मैंने उस दिन भी आपको ये बात कहा ना कि आप अपने घर वाले को मनाओ, वो आपकी जिम्मेदारी है। शादी से पहले कहाँ का रीत है कि मतलब दूसरा रीजन तुम्हारे ये भी था कि अगर इससे लड़की का इमेज गिरेगा, तुम्हारे मम्मी पापा सोचेंगे कि हाँ लड़की खुद चल के आ रही है, ये समझो ना। ऐसी बात नहीं है, उन्हें मैं कहूंगा ना कि मैं लेके आया हूँ उसे, क्योंकि अगर तो मेरे को ये दिखा रहा शादी से पहले कि क्या नाम है, जब भैया जब तू ले आया हमारी कोई बात ही नहीं समझ रही, तो मम्मी पापा को तुम यहाँ ले आओ, जो भी बात करना या तुम बोलोगे कि थोड़ा समझा दो तो यहाँ यहाँ पे बात हो सकता है। हम लोग या गुनगुन वहाँ जाके बात नहीं करेगी, ये फिर ठीक नहीं है। आपकी बात ठीक है, चलो मैं मान जाता हूँ, पर मेरे को ये था कि दूसरा अगर गुनगुन पहले चले जाए थोड़ा घर पे तो माहौल भी देख लेगी घर का क्या है क्या नहीं। वो तो माहौल में तो ढल जाएगी, देखो वो तुम्हारे ऊपर है इसके ऊपर है, अगर दोनों उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। हर लड़की जरूरी नहीं पहले ससुराल जाके देखती है कि मैं ढलूंगी कि नहीं, ऐसा नहीं होता, सब ढल जाते हैं समझाना, मतलब फिर वो घर जाएगी वहाँ शादी से पहले लड़की कैसे चली जाएगी, ये तुम्हारी जिम्मेदारी, तुम जैसे भी मनाओ भाई, तुम देखोगे ना। ठीक है, बट मैं मेरी तो ये सोच थी, बाकी वो आपके ऊपर है कि देखो मैं भी गुनगुन को बिना आपकी मर्जी के तो ले जाना नहीं चाहता, कोई जबरदस्ती तो है नहीं। बस मेरी एक ये थी कि अगर साथ जाते तो शायद से अच्छे ढंग से समझा पाते। नहीं अभी सॉरी, इसके लिए गुनगुन अभी नहीं जाएगी, पहले तुम अपने मम्मी पापा से बात करो, या तुम चाहते हो कि ये जाए और समझाए तो उससे अच्छा है तुम मम्मी पापा को यहीं लेके आओ, यहीं ले आओ, मैं भी हम लोग भी बात कर लेंगे सारी। हाँ, कोई नहीं, ऐसा कर लेता हूँ एक बार, मैं उन्हें भी थोड़ा बहुत समझा के ताकि ये ना कुंडली भी हमें देना, वो हम मिलवा देंगे, मैं भी मिलवा लूंगी। हाँ तो मिलवा देना, वो तो है, लेकिन अभी गुनगुन को ले जाना ठीक है। नहीं कोई नहीं, मैं फिर देखता हूँ। ठीक है, ये तो सही नहीं, शादी से पहले वहाँ जाना, तूने मेरे को दिखाया भी नहीं था मैंने कि कौन है ये लड़का, हाथ पकड़ के बैठे थे दोनों, फोटो तो दिखा देता तो लोनी चाहिए थी ना, बैठी थी हाथ में हाथ पकड़ कर, सही बात था, वो एकदम से हाथ पकड़ के ऐसे मेरे को बोलने लगा कि प्लीज चल दो। ऐसे अभी कितने दिन हुए हैं रिश्ते को, अभी और कोई आएगा, नहीं आया इसके माँ बाप ने मना कर दिया, उसके भी हाथ में हाथ पकड़ के बैठ जाएगी मम्मा, मेरे को मना रहे तो ऐसा कोई मेरा इंटेंशन नहीं था, लेकिन मेरे नजर तो गलत थी ना, फिर मेरा तो मेरी सोच में तो फर्क पड़ गया ना, फिर ऐसे तो तुम ये भी तो देखोगे ना, एक रिश्ता सब कुछ होने के बाद ये चीजें शोभा देती है। मुझे बताया भी नहीं, कॉल करते हुए एकदम से आ गए, मेरे को नहीं पता था, आपको लग रहा होगा ना कि मेरे को पता था कि वो एकदम से आ जाएंगे, मेरे को नहीं पता था। देख बेटा, हम बहुत विश्वास करते हैं, हमारे साथ है ना विश्वास थोड़ी हो। नहीं मम्मा, मैं ऐसा कुछ भी काम ऐसा नहीं करूँगी, मैं आप ऐसे क्यों सोच रहे हो। चलो ठीक है, और जल्दी क्लियर करो, बोलो, बोलना पड़ेगा कि जल्दी क्लियर करो भाई, हम बैठे नहीं रहेंगे, हम कोई दूसरा रिश्ता देखेंगे। और क्या, रिश्ते तो आ ही रहे हैं, आप जैसे पता चल रही है तो ये थोड़ी कि उसके चक्कर में बैठे रहें। चलो।